ये सामान पैक हो गया, ठीक है, हम रेडी हो गए। नॉक नॉक। तो क्या समझे आप लोग, क्या चल रहा है ये सब? माय डियर रियल्टियंस, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, और वो ये है कि 3 साल अपने देश अपने लोगों से दूर रहने के बाद आज हम लोगों को मौका मिल ही गया है कि हम एक छोटा सा वेकेशन अपने भारत देश में मनाएं। अब क्योंकि मेरी YouTube फैमिली हमारा वीडियोस देखती है और बहुत सारे लोगों ने पूछा हमसे कि हम कहाँ से हैं, इंडिया के कौन से स्टेट से हैं, तो अब आपके पास मौका है, आप देख पाएंगे हमारा इंडिया टूर। इस बार हमारा स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, इंडिया में बहुत सारी जगह पे जाना है। हम ट्राई करेंगे कि जो वीडियोस हैं वो जल्दी जल्दी आए, लेकिन आई कैन नॉट प्रोमिस यू दैट। द मच आई एम हैप्पी टू शेयर द वीडियोस एंड द सेम आई नो दैट यू गाइज विल बी हैप्पी टू वॉच देम। वेट अ मिनट, आई गॉट अ कॉल। हेलो हेलो। हाँ दीदी, क्या कर रही हो? कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही हो क्या? क्यों? एक इम्पोर्टेंट काम था। ओके, तो हम कहीं पे जगह देख के बैठ जाते हैं, एक मिनट। एक मेरी फ्रेंड है, वो बैंकॉक से आई है इंडिया, सो उसको अपने कुछ सर्टिफिकेट्स में कुछ अपोस्टाइल या स्टैंपिंग कुछ ऐसा कुछ कराना है। ओके। क्योंकि उसको कहीं और भी बाहर फॉरेन जाना है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या प्रोसेस होता है ये। अरे तो तुम अभी तक ये वाला वीडियो क्यों नहीं देखी हो मेरा? देखो हम उसमें बहुत अच्छे से समझाए। ठीक है, तो वैसे तो तुम जो डिटेल दी वो बता देंगे हम उसको। अपने फ्रेंड से बोलो कि वो या तो हमको कांटेक्ट कर ले, या तो फिर ये वाला जो वीडियो है उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उस पर क्लिक कर ले, और ये बहुत ही बढ़िया एजेंसी है उनको कनेक्ट कर ले। ठीक है, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। ओके चलो, बाय बाय। और अब आपको बताएंगे एकदम सिंपल वर्ड्स में कि क्या होता है अपोस्टाइल, क्यों कराना चाहिए हम लोगों को, किससे कराना चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट्स अपोस्टाइल कराने चाहिए। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि अपोस्टाइल होता क्या है। अब मान लीजिए कि आपके पास है आपका एक डॉक्यूमेंट जो कि आपकी गवर्नमेंट ने आपके लिए इशू किया है, और ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो है आपके बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स, कोई बिजनेस के पेपर्स, या फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो आप लेके जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में दिखाने के लिए कि आपको किसी चीज़ के लिए एडमिशन चाहिए, या आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, बस फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये आपकी कंट्री से गवर्नमेंट स्टैम्प करके सिग्नेचर करके देंगे और बोलेंगे यही ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है आपके कंट्री का, तो इसको कहते हैं अपोस्टाइल। आप अपोस्टाइल कहाँ से करवाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे देश की। कोई भी कंट्री का जो भी डिपार्टमेंट होता है एक्सटर्नल अफेयर्स का, आप वहाँ से अपोस्टाइल करा सकते हैं। बिल्कुल। हमारी कंट्री में उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आपको दिखाते हैं अपोस्टाइल सर्टिफिकेट होता कैसा है। जो हमारा डिटेल्स है वो आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ होता है। कभी भी अपने पर्सनल डिटेल्स आप शेयर नहीं कर सकते हैं। आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड में आपको कराना है अपोस्टाइल। ये A4 शीट के साइज़ का पेपर है और इस पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टैंप लगे हुए हैं, और साथ में एक जो छोटा सा पीस है आपको लगेगा किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का कटआउट इस पर पेस्ट किया हुआ है। ये जो अपोस्टाइल का प्रोसेस है इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपके नोटरी, फिर आपका SDM, और फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पर्सनल के लिए SDM के स्टाम्प लगेगा, एजुकेशन के लिए आपका HRD का स्टाम्प लगेगा, और एक तीसरा ग्रुप फिनेंशियल के लिए कुछ फिनेंशियल सर्विस का स्टाम्प लगता है। अगर मान लीजिए कि आपने पहले से अटेस्ट करवाया है, अपोस्टाइल करवाया है, और यही आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो आप दोबारा से उसके ऊपर अटेस्ट करवा सकते हैं, अपोस्टाइल करवा सकते हैं। कुछ जरूरी टिप्स नेदरलैंड्स के लिए। नेदरलैंड्स में कभी भी आप अपोस्टाइल करवाइएगा तो वो 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है यहाँ पे। तो हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब सबसे पहले हम लोग थाईलैंड गए तो उस समय अपोस्टाइल की नहीं अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ी थी हमें, और हम VFS गए, हमें कुछ पता नहीं था तो हमने जस्ट एज अ फ्लो जाने दिया सब कुछ। VFS से बहुत टाइम टेकिंग था, पैसे भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे, और VFS वालों ने अल्टीमेटली जो थर्ड पार्टी सर्विसेज है उससे ही हमारा अपोस्टाइल करवाया, बट
काफ़ी पैसे हमारे वेस्ट हुए और साथ में उन लोगों के पास कुछ ऐसे में सर्विसेज थे, फिर भी हमें ही हर समय करना पड़ता था। जब सेकेंड टाइम हम लोग थाईलैंड में थे, वहाँ से एपोस्टाइल कराने के लिए हमने सोचा अब तो हम विदेश में हैं और वहाँ से हमें विदेश जाना है और एपोस्टाइल हमारे अपनी कंट्री में होना है, तब हमने बहुत सारी एजेंसीज ढूंढे, कॉन्टैक्ट किए। हमारे लिए सबसे बेस्ट निकला EAS, द एक्सलेंट एपोस्टाइल सर्विसेज। अब आप कहाँ से इनको कनेक्ट कर सकते हैं, अभी के लिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक कीजिए, उसमें देखिए एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं और आपको बताएंगे कि क्यों हमें ये बहुत अच्छे लगे। डॉक्यूमेंट जब इंडिया पहुंच गया उसके बाद इन्होंने सारा काम देख लिया, ये पिक किए डॉक्यूमेंट, ड्रॉप किए डॉक्यूमेंट, 3 से 4 वर्किंग डेज लगा और हमारा आ गया था एपोस्टाइल होके घर को। अगर आप इनके वेबसाइट को चेक करेंगे, लेट मी शो यू वंस। All you have to do is go to Google, type www.mea-india.in और जो सबसे पहला लिंक होगा क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा ये वाला वेब पेज। ये जो वेबसाइट है इनकी, ये बहुत ही बढ़िया एकदम लाइवली वेबसाइट है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम हैंडी मिलेगी, कोई भी लेमैन भी है तो उसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर सब कुछ। अब आप ये वाला वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्चुअल एपोस्टाइल क्या होता है। वेबसाइट में आगे आपको और भी सर्विसेज दिखेंगे, एपोस्टाइल, अटेस्ट करना, एम्बेसी से अटेस्ट करना, सब कुछ। अनदर टिप फॉर द सर्टिफिकेट एपोस्टाइल इन द नेदरलैंड्स, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जो आपके रीजनल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसको आपको ट्रांसलेट कराना है, हिंदी में भी लिखा हुआ है तो भी ट्रांसलेट कराना पड़ेगा पहले, वही अच्छा होगा आपके लिए, और उसके बाद उस पर एपोस्टाइल कराइए। इसके लिए भी एक्सेलेंट एपोस्टाइल सर्विसेज आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। क्या हुआ, कन्फ्यूजन में आ रहे हैं कि आपको EAS क्यों चूज करना है, तो ये लीजिए आंसर हाजिर है आपके पास। डेडिकेटेड सपोर्ट है इनके पास, क्वालिटी सर्विसेज है इनके पास, 24/7 असिस्ट करेंगे आपको और फ्री पिकअप और डिलीवरी, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। वेबसाइट में और भी चीज़ें दी गई हैं, ये देखिए आपको दिखाते हैं कि इनके पास कितने कस्टमर्स ने इनको कनेक्ट किया और कितने लोगों की सर्टिफिकेट अटेस्टेड कराई इन लोगों ने, साथ में कितनी कंट्रीज में ये सर्विसेज देते हैं, प्लस इनके कलेक्शन सेंटर्स। स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, इट्स इम्पॉर्टेंट। वेबसाइट के बॉटम में आपको दिख जाएगा इतना इम्पॉर्टेंट एपोस्टाइल अटेस्ट और फ्री पिकअप डिलीवरी और फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस से रिलेटेड, साथ में पैन इंडिया कहाँ कहाँ कलेक्शन सेंटर्स हैं वो भी, और डोंट वरी इनके पास है ये व्हाट्सएप बटन जिसको क्लिक करते ही आप सीधे डायरेक्ट हो जाएंगे इनके व्हाट्सएप नंबर पे, और साथ में यहाँ पे है मैसेज बटन जो डायरेक्ट करता है आपको डायरेक्ट मैसेज जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और सबमिट करेंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है एपोस्टाइल की, सिर्फ हमें नहीं हमारे दोस्तों को या किसी को भी, सब इन्हीं के पास जाते हैं और ये चुटकियों में काम करा देते हैं। वेट अ मिनट, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है। आपको एक बात बताते हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हम इमोशनली किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, तो ऐसा है कि इन लोगों ने हमारे सर्टिफिकेट्स को, पहले हमें लगता था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, कहीं कोई गुम ना करा दे, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए हमारा सर्टिफिकेट, और वो भी आपका सर्टिफिकेट लेमिनेटेड नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है, तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से केयर किया, हम लोगों को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये लोग खुद हमें कॉल करते थे। फ़ोन पे फ़ोन भी नहीं करना होता था, व्हाट्सएप के थ्रू काम हो जाता था, आप मैसेज डाल के रख दो वो रिप्लाई कर देंगे, जो भी नेक्स्ट अपडेट रहेगा वो मैसेज डाल देंगे आप पढ़ लो। डिस्पाइट ऑफ टाइम जोन डिफरेंस, फिर भी वो हमेशा आपके मैसेजेस को प्रॉपरली रिप्लाई करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि आपके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। बहुत लोग प्राइस पे आके अटक जाते हैं, तो ये मोटा मोटी सबका सेम ही होता है, लोकेशन वाइज थोड़ा मोड़ा डिफर करेगा, तो हम लोगों को लगा जो सर्विस सबसे फास्टेस्ट है और ऑथेंटिक है और बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उन लोगों को हम कनेक्ट करते हैं, तो आई फील EAS इज़ द बेस्ट। ओह सच अ नाइस प्लेस। अब बहुत सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर दी हैं, जितना भी क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हम डेफिनेटली आपका आंसर करेंगे। जो अब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोग तो घर जा रहे हैं, वो बात कहाँ से बीच में ही भूल गए हम हम लोग जा रहे हैं घर, और अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या है? 3 साल के बाद इतना लंबा सफ़र छोटे बच्चे को लेकर के। बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि स्किफॉल एयरपोर्ट में बहुत मुश्किल से लोग जा रहे थे? आई बिलीव आप सबको पता होगी, इंडियंस को तो डेफिनेटली पता होगी क्योंकि वेकेशंस था और बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल करके गए थे।
तो मतलब हमने कौन सा रास्ता लिया, हम किधर से जा रहे हैं, वो सब आपको अपडेट करेंगे और बहुत मजा आएगा। सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर लाइफ टूर विथ योर रश्मि राहुल रूपिन, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, बाय बाय।